नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 18 भोजन का वर्गीकरण पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, भोजन का वर्गीकरण, भोजन के वर्गीकरण के सबसे पहले हम मुख्य बिंदु देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पाठ को शुरू करेंगे। सबसे पहला है भोजन से आशय, फिर है उसके बाद भोजन के तत्व, भोजन की उपयोगिता, खाद्य संरक्षण, भोजन के संरक्षण की आवश्यकता। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम भोजन से आशय, मीनिंग ऑफ फूड। भोजन क्या होता है बच्चों, क्या होता है भोजन? हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, तो भोजन से आशय क्या है, तो यह हम आज पढ़ने जा रहे हैं। भोजन से आशय केवल दाल, रोटी, चावल, घी, तेल, ये सब खाना नहीं होता है। भोजन से आशय होता है कि जो हम आहार ले रहे हैं, क्या उसमें वह पर्याप्त पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को प्रतिदिन चाहिए होते हैं कार्य करने के लिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो हमें पोषक तत्व चाहिए होते हैं, क्या हम वह भोजन में सम्मिलित हैं भी या नहीं, तो इसके विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं बच्चों। अनाज, दालें, सब्जियां, फल, मेवे, दूध, जल आदि से मिलकर हमारा भोजन बनता है। किससे भोजन बनता है बच्चों हमारा? अनाज, दालें, सब्जियां, फल, मेवे, दूध, जल आदि से हमारा भोजन बनता है। यही तो सब खाते हैं हम प्रतिदिन। इन सभी पदार्थों में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम एवं आयोडीन आदि रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। तो जो हम भोजन खाते हैं उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, यौगिक रासायनिक यौगिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, आयोडीन और कार्बन। ठीक है बच्चों, अब पढ़ने जा रहे हैं हम भोजन के पोषक तत्व, यानी कि जो भोजन में तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। भोजन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ फूड, सबसे पहले आता है बच्चों देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन्स। तो हम जो भोजन करते हैं बच्चों उसमें छह प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? छह प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, वसा, जल, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इनका कार्य क्या होता है, क्या होते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रोटीन के बारे में पढ़ाना, लेकिन प्रोटीन से पहले हम जान लेते हैं कि पोषक तत्व भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो होते क्या हैं। हमारे शरीर को इन सभी तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इन तत्वों की कमी हो जाए तो भोजन संतुलित नहीं होता। इन तत्वों का वर्णन निम्नलिखित है, यानी कि हम जो प्रतिदिन भोजन करते हैं तो भोजन में जो भी हम चीजें खाते हैं, दाल खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, आलू खाते हैं, चाय पीते हैं, ये जो भी हैं, तो इनसे हमें कोई ना कोई तत्व प्राप्त होता है। जैसे अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होता है? प्रोटीन हमें दालों से प्राप्त होता है। अगर बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट चीनी में अधिक पाया जाता है, चावल में अधिक पाया जाता है, आटे में भी होता है। वसा, वसा तो हम तेल और घी के रूप में हम प्रतिदिन अपनी सब्जी को फ्राई करने में या फिर उसको बनाने में यूज करते हैं। खनिज लवण हमें हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। जल जो हम भोजन को बनाने के लिए यूज करते हैं वो जल होता है। विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स कौन से होते हैं? जैसे हम कोई फल खाते हैं, खट्टे फल खाते हैं, रसीले फल खाते हैं, तो उन सभी से हमें कोई ना कोई विटामिन जरूर प्राप्त होता है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं बच्चों प्रोटीन, प्रोटीन कैसे प्राप्त होता है हमें। प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी कहा जाता है। यह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, गंधक, ए, फास्फोरस आदि के तत्वों से बना एक यौगिक पदार्थ है। तो इससे बच्चों एक क्वेश्चन भी बन जाता है हमारा कि प्रोटीन किन किन यौगिक
यौगिक तत्वों से मिलकर, यौगिक पदार्थों से मिलकर बनता है, तो उसमें हमारा आएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस आदि तत्वों से बना एक यौगिक पदार्थ है। और तो क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन कैसा पदार्थ है, तो प्रोटीन जो है वो इन तत्वों से बना एक यौगिक पदार्थ है। अब प्रोटीन प्राप्ति के साधन पढ़ लेते हैं कि प्रोटीन हमें कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है। तो प्रोटीन प्राप्ति के दो प्रकार के साधन होते हैं बच्चों। सबसे पहला है पशुजन्य पदार्थों से, यानी कि पशुओं के द्वारा जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है वो कौन कौन सा होता है। एक तो जो मांसाहारी होते हैं वहां से प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, मछली खा सकते हैं, दूध, पनीर, मक्खन आदि पशुजन्य पदार्थ से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। यानी कि जो पशुओं से बना पदार्थ होता है वह पशुजन्य पदार्थ कहलाता है। सेकंड है वनस्पति जन्य पदार्थ, यानी कि जो हमें वनस्पतियों से प्राप्त होता है। तो उसमें क्या क्या आता है बच्चों, गेहूं है, दाल, मूंगफली, सोयाबीन, मटर, सेम, आलू, साग सब्जी एवं मेवे आदि पदार्थों से प्रोटीन प्राप्त हो सकता है। अब देखते हैं बच्चों कि प्रोटीन का कार्य क्या होता है। हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रोटीन हमें किन किन चीजों से प्राप्त हो सकता है, पशुजन्य पदार्थों से भी प्राप्त हो सकता है, वनस्पति जन्य पदार्थों से भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्रोटीन के हमारे शरीर में कार्य क्या होते हैं कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले है प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, यह शरीर की टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है और नए ऊतकों का निर्माण करता है। यह शरीर में पाचक रसों का निर्माण करता है। यह हमारी शारीरिक वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। यह हमारे शरीर में रोग निवारण शक्ति में वृद्धि करता है और मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से जो नाइट्रोजन निकल जाती है प्रोटीन उसकी पूर्ति करता है। यह हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नामक रक्त कणों की वृद्धि भी करता है। तो देखा बच्चों आपने कि प्रोटीन का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है, जो टूटे फूटे ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत करना होता है, नए नए ऊतकों का निर्माण करना होता है, पाचक रसों का निर्माण करना होता है, शरीर की वृद्धि करता है और जो हमें शक्ति प्रदान होती है किसी भी कार्य को करने की, वो भी हमें प्रोटीन के माध्यम से ही होती है। और हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन नामक एक रक्त कण जो होते हैं उनकी वृद्धि भी प्रोटीन ही करता है। तो ये सब कार्य प्रोटीन के होते हैं जो प्रोटीन शरीर में करता है। इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट किन किन तत्वों से मिलकर बना है देख लेते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन नामक तत्व पाए जाते हैं जिनका अनुपात 1:2 होता है। तो इनकी प्राप्ति के साधन क्या हो सकते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन। तो इसकी प्राप्ति दो प्रकार के पदार्थों से होती है, ये भी दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले है स्टार्च। स्टार्च को हम बोलते हैं मांड, में मांड बोलते हैं, मांड देने वाले पदार्थ। तो मांड क्या होता है बच्चों, जैसे हमने चावल बनाए, चावल बनाने के बाद जब हम उबाल कर चावल को बनाते हैं और उसका जो व्हाइट पानी भगोने में या पतीले में रह जाता है उसे स्टार्च बोलते हैं। आटा जो होता है, जब हम आटा गूंथते हैं तो कभी कभी, हाँ आपने देखा होगा कभी कभी, क्या प्रतिदिन आप देख सकते हैं कि जब हम हाथ को अपने धोते हैं आटा गूंथने के बाद तो वाइट वाइट सा पानी निकलता है। तो वाइट वाइट सा जो हमारे हाथों से पानी निकलता है वो स्टार्च ही होता है। मैदा, अनाज, दालें, आलू, आलू मैं आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी आपने आलू काटते होंगे और आलू काटते काटते आपके हाथ जो हैं वो गीले हो जाते हैं, उससे एक पानी सा निकलता है जो थोड़ा भुरभुरा टाइप सा भी होता है, आपने देखा होगा। आप कभी आलू काटे तो उसे देख सकते हैं कि उससे एक पानी निकलता है, वही स्टार्च कहलाता है। और सेकंड है देखिए चीनी देने वाले पदार्थ। चीनी देने यानी कि जो मीठे फल होते हैं तो वो क्या देते हैं, चीनी देने वाले पदार्थ होते हैं। इनमें से सबसे पहला तो है गुड़। गुड़ गन्ने से बनाया जाता है। मीठे फल खजूर, गन्ना, शकरकंद, शलजम एवं चुकंदर आदि शक्कर देने वाले पदार्थ होते हैं। तो इन सबसे हम कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अब देख लेते हैं। सबसे पहला है बच्चों कार्बोहाइड्रेट के कार्य, कि कार्बोहाइड्रेट के शरीर में कार्य कौन कौन से।
ये हमारे शरीर को शक्ति और गर्मी प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है और गर्मी प्रदान करता है। यह प्रोटीन और वसा को पचाने में भी सहायक होता है। यह शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करता है। शरीर के अंदर पाचक क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज के जलने से शरीर को ताप मिलता है। तो ये सब कार्य कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। कौन कौन से? शरीर को शक्ति प्रदान करना, गर्मी प्रदान करना, प्रोटीन और वसा को पचाना, शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करना, शरीर के अंदर पाचन क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलना, ग्लूकोज के जलने से और क्या मिलेगा फिर? शरीर को ताप मिलने लगता है। तो ये सब कार्य कार्बोहाइड्रेट के हमारे शरीर में होते हैं। थर्ड नंबर पर आता है बच्चों वसा। वसा क्या होती है? वसा ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन है। यह ऊर्जा हमारे कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए 1 ग्राम में कितनी होती है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये सब ध्यान से सुन पढ़ने वाली बातें हैं बच्चों। वसा का कार्य क्या होता है? ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन है वसा। ऊर्जा हमारे वसा जो होती है, वसा क्या होती है? घी, तेल, मक्खन, ये सब वसा के अंतर्गत आते हैं और ये सब हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। तो वसा की प्राप्ति के साधन पढ़ लेते हैं बच्चों कि वसा की प्राप्ति के साधन कौन कौन से होते हैं। तो वसा की प्राप्ति के साधन 2 प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहला है पशुओं से प्राप्त होने वाली वसा। तो पशुओं से प्राप्त होने वाली वसा कौन कौन सी होती है? एक तो मांस, दूध, घी, मक्खन, पनीर, क्रीम, मछली, अंडा, एवजिगर आदि से प्राप्त होती है। क्या होती है? वसा प्राप्त की जा सकती है। सेकंड है वनस्पति से प्राप्त होने वाली वसा जो होती है, जैसे तिल होता है, तिल के तेल होता है, सरसों होती है, नारियल एवं मूंगफली का तेल होता है, बादाम होते हैं, सूखे मेवे होते हैं, तो इन सबसे भी वसा प्राप्त की जा सकती है। अब देखते हैं बच्चों वसा के कार्य हमारे शरीर में क्या क्या होते हैं। शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है। वसा का कार्य क्या होता है? शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है, शरीर में चिकनाहट पैदा कर सूक्ष्मता को रोकती है। यह हमारे शरीर में विटामिन ए, डी और ई पहुंचाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर बनता है कि वसा का कार्य क्या होता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा तत्व हमारे शरीर को विटामिन ए, डी और ई पहुंचाता है। तो वो कौन सा पहुंचाता है? वो तत्व होता है वसा। यह हमारे शरीर के तंतुओं की क्षय हुई भी, यानी कि जो हमारे शरीर के तंतु टूट जाते हैं उनकी क्षय हुई भी चर्बी की पूर्ति करती है और आवश्यकता अनुसार नई चर्बी बनाती है। तो जो हमारे शरीर को जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे ऊर्जा होती है, हमारे शरीर को सूक्ष्मता से रोका जाना चाहिए, वो ऊर्जा के माध्यम से ही हो सकता है, वो वसा के माध्यम से ही हो सकता है। और वसा क्या का एक कार्य और भी है। कौन सा कार्य होता है? कि जो हमारे शरीर के तंतु टूट जाते हैं उनकी पूर्ति भी वसा ही करती है। सबसे पहले आप देख लेते हैं बच्चों खनिज लवण। खनिज लवण का कार्य क्या होता है? किस तरह से प्राप्त किए जा सकते हैं? हमारे शरीर में लगभग 20 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 20 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, जिनसे अनेक प्रकार के लवणों का निर्माण होता है। के रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयोडीन एवं गंधक आदि खनिज लवण होते हैं। समस्त खनिज लवण का शरीर में विभिन्न कार्य होता है। तो ये सब क्या होता है बच्चों? ये सब खनिज लवण होते हैं जिसका अलग अलग कार्य होता है शरीर में कार्य करने का। सबसे पहले देख लेते हैं कि कैल्शियम। कैल्शियम कैसा होता है देख लेते हैं। मुख्य रूप से अंडा, मांस, दूध, हरी सब्जियां, अंजीर, केला एवं सूखे मेवे आदि में कैल्शियम की अधिकता होती है। तो कैल्शियम किन किन चीजों में पाया जाता है बच्चों? जैसे अंडा हुआ, मांस, दूध, हरी सब्जियां, अंजीर, केला एवं सूखे मेवे आदियों से हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। अब कैल्शियम का हमारे प्राप्ति के साधन तो हमने पढ़ लिए, लेकिन अब कैल्शियम
हमारे शरीर में क्या कार्य करता है ये भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसके कार्य देख लेते हैं। कैल्शियम दांतों का निर्माण करता है तथा उन्हें शक्ति प्रदान करता है। हमारे शरीर की अस्थियां इससे दृढ़ बनती है यानी कि मजबूत बनती है। दृढ़ का मतलब है बच्चों कि हमारी जो शरीर की हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। किससे होती हैं? कैल्शियम से होती हैं। हमारे हृदय की गति को यह नियंत्रण में रखता है। यदि इस खनिज लवण की उपयुक्त मात्रा शरीर में हो तो त्वचा के रोग नहीं होते। मांसपेशियों और नाड़ियों को कार्यरत रखता है। कौन सा तत्व रखता है? कैल्शियम रखता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? यह किसके अंतर्गत आता है बच्चों? यह खनिज लवण के अंतर्गत आता है। आप पढ़ लेते हैं बच्चों, सेकंड है इसमें फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है? इसकी प्राप्ति पालक, अंडा, मांस, सूखे मेवे एवं दूध आदि से हो सकती है, यानी कि होती भी है। अब इसका कार्य क्या होता है? इससे हमारे दांत एवं अस्थियां यानी कि हड्डियां दृढ़ होती है यानी कि मजबूत होती हैं। खून साफ होता है, नाड़ी संस्थान ठीक रहता है। तो यह सब कार्य होते हैं फास्फोरस की। और फास्फोरस किस में आता है? खनिज लवण में आता है। तीसरा देखते हैं सोडियम क्लोराइड। हरे सागो जैसे पालक, बथुआ, मटर, साधारण नमक, मांस, प्याज इत्यादि से सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति हो सकती है। और इसका कार्य क्या होता है बच्चों? यह व्यक्तियों के रक्त की शुद्धि में सहायता करता है। यह भोजन को पचाने में सहायता करता है। भोजन खाने में रुचि होती है क्योंकि इससे भोजन स्वादिष्ट लगता है। इससे सोडियम क्लोराइड से। अगला है बच्चों आयोडीन। मछली के तेल, जिगर आदि में अधिक होता है। किस में होता है आयोडीन? किस किस में पाया जाता है? मछली के तेल, जिगर आदि में आयोडीन अधिक होता है। और इसका कार्य क्या होता है बच्चों? इसका कार्य होता है शरीर में इसकी कमी हो जाने पर गले की ग्रंथि बढ़ जाती है। भोजन को पचाने में सहायक है। शरीर की वृद्धि में भी सहायता करता है। अगला तत्व है बच्चों जल। जल क्या होता है? जल हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। यदि शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति को ग्लूकोज चढ़वाना पड़ता है। जल की प्राप्ति साधारण जल पीकर, रसदार फल खाकर अथवा रेसे की सब्जियां खाकर जल हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है। यानी कि जल हमारे शरीर के यानी कि 70% भाग जो होता है बच्चों जल का ही होता है हमारे शरीर में, है ना। जो 70% अगर जल कितना हमारे शरीर में जल कितने प्रतिशत तक पाया जाता है तो 70% तक जल ही मिलता है। जल से ही हमारा शरीर बना हुआ है। तो जल हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। यदि शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति को ग्लूकोज चढ़वाना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बदहजमी के कारण तो पेट खराब हो जाता है, उसमें व्यक्ति को जल की कमी हो जाती है। जल की कमी होते के साथ ही व्यक्ति में कमजोरी महसूस होने लगती है जिसके कारण उसे ग्लूकोज भी चढ़वाना पड़ता है ताकि शरीर में पानी की पूर्ति हो जाए। आप देखिए जल प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, जल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? साधारण जल पीकर, रसदार फल खाकर अथवा रेशे की सब्जियां खाकर जल हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है यानी कि शरीर में प्रवेश करता है। जल के हमारे शरीर में कार्य क्या क्या होते हैं? जैसे जल के हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जल रक्त को पतला करता है। फलतः रक्त भ्रमण सुप्ता से होता है। शरीर की गंदगी को पसीने तथा मल मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। फलतः शरीर निर्मल रहता है। पाचन क्रिया को ठीक रखता है। व्यक्ति का सोच शुद्ध होता है। शरीर के अनुरूप जल हो तो इससे व्यक्ति की कांति बढ़ती है। अतः प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल पीना ही चाहिए। तो जल के देखे बच्चों हमारे शरीर में कितने महत्वपूर्ण कार्य हैं यह आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों विटामिन की। शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब से 100 वर्ष पूर्व तक इनके विषय में लोगों को बहुत कम ज्ञान था और इसी कारण भोजन पदार्थों में इनका शुद्ध रूप में अलग किया जाना तथा इनके रासायनिक स्वरूप का निरूपण संभव नहीं हो पाया है। परंतु अनेक अनुसंधानों के उपरांत वैज्ञानिकों ने इस दशा में पर्याप्त प्रगति की और यह निष्कर्ष निकाला कि स्वास्थ्य से विटामिन
विटामिनों का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भोजन में इनकी पर्याप्त मात्रा की उपस्थित होना आवश्यक है। यानी कि विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक होती है और इनका सेवन भी प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। विटामिन मुख्य प्रमुखतः फलों, दूध, हरी तरकारियों तथा अन्य प्राकृतिक भोजनों में मिलते हैं। यदि भोजन को ऊंचे तापक्रम पर पका दिया जाए अथवा उसे आवश्यकता से अधिक गर्म करें तो प्राय विटामिन नष्ट हो जाते हैं। विटामिन भोजन के प्रमुख अंग हैं। तो विटामिन क्या है? भोजन का प्रमुख अंग है। इन्हें किस किस से प्राप्त किया जा सकता है? दूध, फल, हरी तरकारियाँ, तो इन सब से विटामिन की प्राप्ति की जा सकती है। मीठे फलों से की जा सकती है और खट्टे फलों से की जा सकती है। और विटामिन डी हम सूरज की धूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सब विटामिन होते हैं जिनका शरीर में अलग अलग कार्य होता है और जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा? पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा। और इससे अगला जो पाठ का भाग है वो हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, यह भाग हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।